खबर औरैया से है जहां पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली बिधूना पुलिस द्वारा गश्त भ्रमण के दौरान चोरी के 3 वांछितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनपद में हो रही चोरी टप्पेबाजी की घटनाओं के मद्देनजर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और सीओ बिधूना अशोक कुमार के पर्यवेक्षण, कोतवाली प्रभारी बिधूना श्रीकेश भारती के नेतृत्व में उप निरीक्षक विनोद कुमार द्वारा पुलिस बल के साथ भ्रमण किया गया। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बेला रोड नदी के पुल के पास एक कार में बैठे 3 व्यक्ति बस ऑटो में चोरी करते हैं, चोरी करने की योजना बना रहे, जिनके पास अवैध असलाह भी है। सूचना पर पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। औरैया से दैनिक भास्कर के लिए नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। आज दिनांक 23 अप्रैल 2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद औरैया द्वारा चोर लुटेरों नकबजनों तथा टप्पेबाजी की घटनाओं में शामिल अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान के क्रम में चेकिंग के दौरान बेला रोड नदी पुल के पास से मुखबिर की सूचना पर कुल 3 अपराधियों को समय प्रातः 5:10 बजे नियमानुसार प्रभारी निरीक्षक बिधूना मैं हमरा पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अजय कुमार उर्फ बबलू पुत्र रमेश चंद निवासी ग्राम फूलराजपुर थाना सौरी जनपद कन्नौज उम्र 29 वर्ष तथा इसी गांव के सागर साख के पुत्र अर्जुन सिंह 26 वर्ष विमल पुत्र राम रतन उम्र 25 वर्ष हैं। तलाशी से तीनों अभियुक्तों से कुल 2 अदद तमंचा 12 बोर, 4 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 1 अदद चोरी की मोबाइल वीवो, 1 हार पीली धार तथा 2000 रुपये नगद एवं 1 अदद आल्टो कार UP78BJ6968 बरामद हुई है, जिसके संबंध में थाना बिधूना पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पूछताछ पर तीनों अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 18 अप्रैल को 12 बजे दिन में ऑटो नंबर UP79T6269 की महिला यात्री श्रीमती रवीना बेगम निवासी लोकप्रिय बिहारी घोड़ा कॉलोनी नोएडा का मोबाइल 10,000 रुपये तथा 1 हार बैग से चोरी कर लिया गया था, जिसकी रिकवरी भी हो गई है। इस संबंध में थाना बेला पर मुकदमा पंजीकृत है। टप्पेबाजी घटना का अनावरण करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।